नमस्कार सर। ठीक नमस्ते, क्या हाल चाल? कहाँ है सर। रहते हैं? सर बिहार में। सर पूछिए, क्या सवाल है? एक महीना पहले कुछ सिम्टम्स था, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा भूख लगना, प्यास भी ज्यादा लगता था, पेशाब भी बार बार होता था, और इसके अलावा और कुछ ज्यादा हमको नहीं बुझा रहा था। तो मेरे एक अंकल थे, उसका तबीयत खराब था, पता नहीं जांच उनको जो हुआ था, तो हम भी वहां पे थे, उनके पास अपना स्ट्रिप्स था, हमने चेक किया, क्या उस दिन पता नहीं दिमाग में आया, बोले हम भी उस दिन फास्टिंग में थे, पीपी उसको जैसे फास्टिंग हमने चेक किया तो हमारा ब्लड शुगर उसने बताया 250। तो मतलब थोड़ा सा माथा ठनक गया कि क्या हो गया, फिर हमको विश्वास नहीं हुआ, हम बोले ठीक है। 2 घंटा बाद फिर हमने उसको चेकअप करवाया, तो खाना खा के पीपी जो बोलते हैं तो वो मेरा करीब करीब 500 495 आया था, ये 22 मई की बात है, इधर ही मतलब 1 महीना पहले ही, 22 अप्रैल को। तो सर उस समय मतलब हम ज्यादा अपसेट हो गए थे, मतलब हमको तो लग रहा था कि अब जिंदगी खत्म है यहाँ से। तो YouTube पर कुछ सर्च करते 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 मतलब कुछ देख रहा था, बहुत टेंशन था दिमाग में, हम तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अब तो उसी दरमियान में आपका एक वीडियो देखे, उस वीडियो को देखे तो हमको मतलब उस वीडियो में ऐसा पता चला कि ये कोई बड़ा बीमारी है ही नहीं, अगर डाइट और अच्छा से अपन लाइफ स्टाइल चेंज करके और संतुलित भोजन करके ये बीमारी को बिना दवाई का जो है कम किया जा सकता है। बस सर उसी दिन से इसी चीज में हम लग गए, आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख लिए, तो उसमें हमको मतलब धीरे धीरे मेरे जो डर था सर वो बहुत कम हो गया, और आपका फॉलो करते 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 सर उस समय जब जिस समय ये पता चला था ऐसा है, तो मतलब जैसे घर गांव में जो है ना चावल बंद हो गया था खाना, लेकिन सर 5-7 रोटी खा लेते थे, दाल खा लेते थे, दूध के साथ रोटी खा लेते थे, मतलब पूरा जो है मतलब दूसरे टाइप का खाना खा रहे थे, वो अभी समझ में आ रहा है, और कभी कभी मतलब अब सोच भी रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे, बहुत ही मतलब 5 रोटी एक बार में खाना सर, भर दिन में 10-12 रोटी खा लेते थे, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब आपका डाइट स्टार्ट किया सर, पता नहीं कल ही हम उसको चेक कराए हैं, तो मेरा फास्टिंग सर 260 से 160 पर चला आया है, और कल से सर मेरा पूरा मतलब पॉजिटिव माइंड के साथ जो है सर, नहीं तो पहले पूरा नेगेटिव भी मेरे दिमाग में आता था हर समय, अब बहुत सारा पॉजिटिव बात आता है सर, और अब क्या कहें आपको, मेरे लिए आप सर भगवान बन के आ गए कि मतलब इतना ज्यादा मतलब टेंशनाइज था दिमाग, और उसमें भी सर बिना दवाई का हम मतलब इतना अच्छा आ गया है, और हम अभी तक जैसे HbA1c चेक भी नहीं कराए। हाँ, HbA1c बाद में जी कराना, अभी तो ठीक होने में समय लगेगा। जो दवाई आप जी कह सर रहे हैं, आपके घर में ही दवाई है, रोटी चावल दाल, यही दवाई है। लेकिन कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, किसके साथ मिला के खाना है, यही तो सीखना है आपको। अलग से और कोई जी सर दवाई की जरूरत ही नहीं है, आपके घर में ही दवाई है, आपके किचन में दवाई है। लेकिन अगर आप जी सर 5 गो रोटी खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। आप 2 गो रोटी खाओ, रोटी के साथ आप चिकन मटन फिश अंडा पनीर जो भी है इसके साथ प्रोटीन के साथ मिला के खाओगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। जी सर अब तो खाना साफ चेंज कर लिया, जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद मेथी और दालचीनी और थोड़ा सा जमाइन होता है, तो इसका आपका एक वीडियो देखे थे आप, उसमें टी बना रहे थे, तो उसको उसी दिन से पीना स्टार्ट किया है सर जी, सुबह फास्टिंग में। उसके ठीक है। बाद जो है पहला जो नाश्ता होता है वही 2-4 अंडे का ऑमलेट होता है, और 1 प्लेट बड़ा प्लेट से यानी कि 400 ग्राम का सलाद होता है, और उसके बाद जो है थोड़ा सा मूंगफली सर, बादाम तो बहुत कीमती होता है, तो हम लोग मूंगफली जो है वो 50 ग्राम या सत्तर ग्राम के आसपास। मूंगफली ज्यादा जी मत खाइए, उसमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है, उसमें बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा,
बादाम आपको लग रहा है महंगा है, लेकिन आप बादाम ज्यादा नहीं खा सकते। मुट्ठी भर जो होता है 25 ग्राम होता है, 25 ग्राम बादाम आप रोज खा सकते हैं, उतना महंगा नहीं पड़ेगा। जो 4 गो रोटी 5 गो रोटी आप खा रहे थे वो उससे सस्ता पड़ेगा, और जब आप बादाम खाएंगे तो आपको उतना भूख नहीं लगेगा, जिसके कारण आप रोटी वगैरह कम खाएंगे तो पैसे आपके उल्टा बचेंगे। ठीक है जी सर, बादाम महंगा नहीं जी सर। उसके बाद जो है डाइट में थोड़ा दही वही लेते हैं, कोई भी सब्जी खाते हैं तो उसमें क्या वो चंक्स, सोया चंक्स जिसको हम लोग सोयाबीन का बड़ी बोलते हैं, हाँ उसमें उसको मिलाते हैं। और मतलब रोटी साफ कम कर दिए हैं, भर दिन में एक बार में एक ही रोटी खाना होता है, यानी कि 3 रोटी से ज्यादा भर दिन में नहीं खाते हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है आपने, आपको फायदा भी मिल रहा है। अभी और कुछ सवाल है तो पूछ सर। क्या करें, मतलब ये जांच के लिए हम सोच रहे थे, जैसे हम जहाँ पे जांच कराने गए थे ना, तो उनका कहना हुआ कि अभी आपका ब्लड शुगर बढ़ल है तो आपका HbA1c भी बढ़ले होगा, पहले आप इसको कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद आप 1-2 महीना बाद चेक कराइएगा, अभी फायदा नहीं है, अगर कराइएगा अभी। कितने दिन से अभी डाइट को शुरू किया है सर? 1 महीने से 23 अप्रैल के बाद। HbA1c जांच नहीं किया आपने अभी तक? जी नहीं। आप HbA1c अभी कराइए और फिर 3 महीने बाद डाइट को फॉलो करके फिर से कराइए, तभी आपको समझ में आएगा कि HbA1c पहले कितना था और HbA1c बाद में कितना हुआ। दवाई तो सर अभी कुछ नहीं ले रहे, पता तो होना चाहिए ना कितना बढ़ा हुआ है जी। HbA1c फास्टिंग इंसुलिन ये दो जांच कराइए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, चलिए, ओके, थैंक यू।